भगवान को अपना बनाकर जब कोई भगवान से रिश्ता निभाते हुए उनकी ललित लीलाओं का आनंद लेता है, ऐसे व्यक्ति की जिंदगी उत्सव बन जाती है। चारि चारि प्रगटे ललन भवनवा में बाजे भजन, चारि चारि प्रगटे ललन भवनवा में बाजे भजन। इन चारों राजकुमारों का क्या कहना, दुई सुत नील मणि छवि छीनत, तो नीलमणि की आभा को अपहृत करने वाले, दो स्वर्ण वर्ण को लज्जित करने वाले, और ऐसे चार कुमारों का जन्म हुआ। श्री नारद जी वीणा बजाने लगे, नारद मुदित बजावे वीणा, और नारद जी ने वीणा बजाई तो कोई बधैया गाने लगा, कौन? श्री काग भुसुंड जी। काग करें कीर्तनवा भवनवा में बाजे भजनवा, काग करें कीर्तनवा भवनवा में बाजे भजनवा, काग करें कीर्तनवा भवनवा में बाजे भजन। काग सुन जी बधैया गा रहे, मधुर वचन तब बोले वो कागा। श्री नारद जी की वीणा बजी, काग सुन जी ने मधुर बधैया गाई, और इसी बीच कोई नृत्य करने लगा। अरे इस नृत्य करने वाले को तो पहचानो, कौन है? तन सुधी भूल मगन हुए नाचत, सैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे भजनवा, सैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे भजनवा, भगवान शंकर नाच रहे हैं। भगवान शंकर को नाचते देखा तो तन सुधी भूल नाचते हुए देखकर सखी बनी नाचन लागे सिद्ध मुनि, क्योंकि आज बस में रहा नहीं मनवा भवन बाजे राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे, पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे भजनवा, पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे।
उत्सव जन्मोत्सव भगवान शंकर नृत्य कर रहे हो, जहाँ श्री काग उसुनी बधैया गा रहे हो, नारद जी वीणा बजा रहे हो। अच्छा अब आप एक बात देखना, मिट्टी और घड़े में अंतर नहीं है, मिट्टी ही घड़ा बनी है ना? लेकिन मिट्टी अगर घड़ा न बनी होती तो हम लोग जल कैसे पीते? हमें जल पीने को नहीं मिल सकता घड़े के बिना। इसी तरह जब तक हम उस निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म को भक्ति के कारण सगुण साकार नहीं बना लेते, तब तक हमें प्रेम रस का पान करने को नहीं मिलता। ये भक्ति का सुख है। वरदान मिल रहा है सबको। भगवान ने रात्रि को वरदान दिया कि इस बार मैं दिन में आया। रात्रि बोली हमें जन्मोत्सव का आनंद कब मिलेगा? भगवान ने कहा अगली बार मैं रात में ही आऊंगा। भादों की अष्टम तिथि कृष्ण पक्ष अधीरात द्वापर में धरियो जन्म जाऊ हृदय हर सा। भगवान राम ने रात्रि को वरदान दिया इस बार में दिन में मध्याह्न काल में आया, अगली बार मेरा जो श्री कृष्ण अवतार होगा वो रात्रि में होगा, मैं रात में आऊंगा। अब भगवान सचमुच रात्रि में ही आए। श्री कृष्ण भगवान हमारे ब्रजवासी गाते हैं, गजब करी डारे दिया कारी कामरी वाले ने, गजब करी कारी कामर वाले ने, गजब कर डारे ने, कारी कामर वाले ने, गजब कर डारे ने। मथुरा में अनजन्म लियो है, मथुरा में अनजन्म लियो है, मथुरा में अनजन्म लियो है, मथुरा में अनजन्म लियो है। ओ या के गोकुल 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 भजत न धारे दिया कारी कामर वारे, गजब कर डारे दिया कारी कामर वारे, गजब कर डारे दिया कारी कामर वारे। तैन चय करतार जिन्हें सुख सो तो रही मटरे नहीं तारे, उद्यम पौरुष की ने बिना धन आवत आपुई हाथ पसारे, आवत आपुई हाथ पसारे, आपुई हाथ पसारे। देवरटे अपनी अपना विधि के पर पंच न जात निहारे, बेटा भयो वसुदेव के धाम और दुंद विभाजत नंद के द्वारे, दुंद विभाजत नंद के द्वारे, दुंद विभाजत गोकुल भजत नगारे दिया कारी कामरी वारे, गोकुल भजत नगारे दिया कारी कामरी वारे, गजब कर डारे दिया कारी कामरी वारे, गजब कर डारे दिया कारी कामरी वारे। भगवान कृष्ण कहते हैं हमें गोकुल भेजो, लीला तो गोकुल में ही होगी। वो नाम इंद्रियों का, इंद्रियों का समूह जहां हो,
आंखें भगवान का रूप देखती हों, कान भगवान की बांसुरी सुनते हों, नासिका भगवान के चरण कमलों के पराग का आस्वादन लाभ लेती हो, रसना दूध माखन चखती हो, तभी तो गोकुल भेजो। वसुदेव जी ने कहा कि हम कैसे भेजें, हम तो खुद बंधे हुए हैं, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, कमर में रस्सी। भगवान कहते हैं कि तुम तो हमें सिर पर बिठाओ, बंधन की चिंता मत करो। अब भगवान को सिर पे बिठाया, बिठाते ही बेड़ी कट गई, हथकड़ी कट गई, रस्सी छूट गई, फाटक खुल गए, पहरेदार सो गए। इसका अर्थ यही है कि अगर हम जीवन में भगवान को सिरोधार्य कर लेते हैं तो हमारे सारे बंधन अपने आप कट जाते हैं। सोए गए अक पहरे वारे, सोए गए अक पहरे वारे, सोए गए अक पहरे वारे। ओ या के आप ही खुल गए थारे लिया तारी कामर वारे, या के आप ही खुल गए थारे लिया तारी कामर वारे। गजब कर डारे लिया तारी कामर वारे, जब कर डारे लिया तारी कामर वारे। बरसात में वसुदेव जी बड़े, जमुना जी ने मार्ग रोक लिया, पर वसुदेव जी भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। किसी ने कहा कि जमुना जी का जल बढ़ रहा है और आप भी आगे बढ़ रहे हैं, संकट नहीं देख रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा कि हम जमुना जल का बढ़ता हुआ संकट नहीं देख रहे हैं, हम तो उनका ध्यान कर रहे हैं जिन्हें अपने सिर पर बिठा रखा है, भगवान को। और सचमुच भगवान ने चरण जमुना जी में उतारे, जमुना जी ने चरण छुए, रास्ता दे दिया। कई बार ऐसा होता है कि हमें रास्ता नहीं सूझता, क्या करें क्या करें क्या न करें, मार्ग न सूझ रहा हो तो परवाह मत करो, परिस्थिति को भगवान के चरणों में डाल दो, अपने आप रास्ता मिल जाए। जो जो लागी बाढ़न जमुना, जो 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 चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, हो या के जमुना चरण पखारे, या कारी कामर वारे, कुल में पहुंच गए।
बसदेव जी ने भगवान को यशोदा मैया के पास सुलाया। भगवान इतने करुणाधनी हैं कि अगर कोई सो भी रहा हो तो वे उसके पास पहुंच जाते हैं। भगवान को सुलाया तो भगवान रोने लगे। रोने क्यों लगे? भगवान को लगता है कि हम इतने पास हैं फिर भी कोई सो रहा है, अगर जाग जाए तो हमें अपने पास ही प्राप्त कर ले। तो भगवान रोने लगे ताकि यशोदा मैया जाग जाए। भगवान रोने को भी तैयार हैं अगर कोई जाग जाए। वसुदेव जी ने भगवान को तो वहां छोड़ा, भगवान की माया को सिरोधार्य किया, फिर लौटकर मथुरा आ गए। फिर हथकड़ी बेड़ी रस्सी फाटक बंद, पहरेदार जाग गए। और इस कथा का रहस्य यही है कि भगवान को सिरोधार्य करेंगे तो सारे बंधन कट जाएंगे, और भगवान की माया को सिर पर रखेंगे तो फिर बंधन में पड़ जाएंगे। यह भगवान की लीला। भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले, श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले, मोहिनी मूर्ति का कुछ असर देख ले, मोहिनी मूर्ति का कुछ असर देख ले, श्री अवध में मिले या कि ब्रज धाम, इधर देख ले या उधर देख ले, या इधर देख ले या उधर देख ले, श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले, श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले। इसीलिए श्रीमद् भागवत के नवम स्कंध में श्री राम जी की लीला का वर्णन है, और श्री रामचरितमानस में भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है। श्री सुखदेव जी ने नवम स्कंद में भगवान राम की लीला गाई, और रामचरितमानस में भगवान शंकर कहते हैं, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई है हरन महामहिभारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न होरा। ये श्री कृष्ण कथा है। समय समय पर होता है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात। तो दूसरे संत ने कहा कि समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा श्री कृष्ण जन्म की रात। दिन में राम जी आए, रात में कृष्ण जी आए। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, हमारा दोनों से संबंध है। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, दास रघुनाथ का नंद सुता सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, सुख लिया श्री अवध, सुख लिया श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर अवध और ब्रजवास का, सुख
भगवत और ब्रज वास का कुछ रह भी रहा, कुछ रह भी रहा। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, राधिका ने सत्कार में नित्य होकर मगन, सत्कार में नित्य होकर मगन, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। बड़ा लंबा पद है जिसमें कहा गया कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, पर अंतिम पंक्तियां बड़ी अद्भुत हैं। श्री बिंदु जी महाराज से किसी ने कहा कि इधर उधर रहना ठीक नहीं, एक तरफ रहो, इधर उधर रहना ठीक नहीं एक तरफ रहो। बड़ा अच्छा उत्तर दिया। इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं जो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कि बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है रहा। भगवान राम ने ही रात्रि को वरदान दिया था कि अगली बार श्री कृष्ण रूप में मैं रात्रि को ही अवतार लूंगा। चंद्रदेव आए, महाराज मुझे भी वरदान मिले। भगवान ने चंद्रदेव से कहा, धैर्य धरो शशि शांत रहो, तव संत स्वभाव सदा मुहि प्यारो, श्री गुरुदेव शरीर को नाम सुरीत विनीत सुन राम उचारो। चंद्रदेव से भगवान राम ने कहा कि गुरुजी मेरा नाम राम रखेंगे तो सूरज की रखी हो न कला, संग यद्यपि सूरज वंश हमारो, और चंद्र रहे गो चहूं युग में, अब राम के साथ में नाम तुम्हारो। चंद्रदेव आज से तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ लिया जाएगा, संसार मुझे श्री रामचंद्र कहेगा, और श्री कृष्ण रूप में अवतार लूंगा तो भी श्री कृष्ण चंद्र कहेगा। ये चंद्रमा को वरदान मिला, इसीलिए भगवान शंकर चंद्रमा को सिर पर रखते हैं, भाल द्वितीया शशिधरम। किसी ने भगवान शिव से कहा कि टेढ़े चंद्रमा को सिर पर रखे हो, क्या टेढ़े से आप भी डरते हो? ये चंद्रमा कलंकी है, घटने बढ़ने वाला है, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही, इसमें अवगुण ही अवगुण है। शिव जी ने कहा कि डरने की बात नहीं, और इसमें चाहे जितने अवगुण बने रहें तो भी मैं इसे सिर पर रखता हूं। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि जो भगवान के नाम से जुड़ा हो उसे तो मैं अपने सिर पर ही बिठा के रखता हूं। वरदान मिला, गुरुदेव पधारे, गुरुदेव ने नामकरण किया रहा, श्री राम श्री भरत श्री लक्ष्मण श्री शत्रुघ्न, चारों कुमारों का नामकरण संस्कार हुआ। अब देवता आते हैं बार बार दर्शन करने के लिए। सुभग सेज शोभित, सुभग सेज शोभित,
कौशल्या रुचिर राम शिशु बोध लिए सुभग सेज सो रुचिर दर्शन के लिए आते हैं सब लोग, दर्शन करते हैं अवधवासी, दर्शन करते हैं श्री अवध की माताएं दर्शन करने जाती हैं भगवान का। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, समूह के समूह ईश्वर की ओर जा रहे हैं। अगर चाल में मेल हो तो समूह के समूह भी ईश्वर की ओर उन्मुख हो सकते हैं। मिली चली पर किस श्रृंगार पर भगवान रीझते हैं, का सहज श्रृंगार किए उठी धाई। सहजता के श्रृंगार पर भगवान प्रसन्न होते हैं। आरती करती हैं मानो ज्ञान का दीपक, परमात्मा का दर्शन करके धन्य हो गया। निवछावरी करही कर्म का फल, ईश्वर पर निवछावर हो गया। धन मिलता है भाग्य से, भाग्य बनता है कर्म से, धन है कर्म का फल। प्रधानता भक्ति की थी, बार बार शिशु चरणन पर ही आनंद ही आनंद अयोध्या में। भगवान शंकर से नहीं रहा जा रहा है। जन्मदिन में तो होकर आ गए थे, लेकिन अब सोचते हैं। श्री पार्वती जी से कहा कि हे देवी, मैं भी गया था अयोध्या। तो बाबा आप पहचान लिए गए होंगे, अकेले गए थे? नहीं, मैं अपना एक चेला साथ में ले गया था। अच्छा, चेला कौन? बोले कागभूषुंडी। अरे अरे, तब तो पहचान लिए गए होंगे। नहीं नहीं, दोनों ने अपना अपना वेश बदल लिया था। कागभूषुंडी संग हम दो कहते हैं हम कागभूषुंडी के साथ गए श्री अवध में। हम दोनों ने अपना अपना वेश छिपा लिया, मनुष्य रूप में थे। कागभूषुंडी जी ने कहा कि बाबा क्या बनोगे? शंकर जी बोले कुछ ना कुछ बनेंगे, जब तक काम ना बन जाए बनते ही रहेंगे, भगवान राम का दर्शन हो जाए। अच्छा ठीक है, तो दर्शन के लिए उपाय क्या सोचा? शंकर जी बोले जादूगर बनते हैं, और जादूगर के साथ एक जमूड़ा होता है, तो तुम तो हो ही हमारे साथ। और जादूगर बनने में इसलिए सुविधा रहेगी क्योंकि जादूगरों के पास जो सामान होता है उसमें से आधे से ज्यादा तो शंकर जी के पास हमेशा रहता है, है? श्री कागभूषुंडी जी बोले यह ठीक रहेगा।
अब शंकर भगवान बने जादूगर। काकभूषण जी ने प्रचार शुरू किया। श्री अवध में पहली बार, धरती पर पहली बार ऐसा अद्भुत खेल दिखाने वाले जादूगर आए हैं। मेरे भोले बाबा को अनादि न सम, मेरे भोले बाबा को अनादि न सम, जो मेरे भोले बाबा को अनादि न सम, जो मेरे भोले बाबा को अनादि न सम। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। को देख के डमरू को देख के मदारी न समझो, डमरू मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, झोली को देख के, झोली को देख के भिखारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, बालकों की भीड़ लग गई। बाबा हम भी खेल देखेंगे, हम भी खेल देखेंगे। खेल कहां होगा? भगवान शंकर ने कहा, कौशल्या माता का जो भवन है उस भवन के पीछे जो जगह पड़ी है वहीं दिखाएंगे खेल। काकभूषण जी ने कहा कि बाबा खेल दिखाना आता भी है कि झूठा ही प्रचार करा दिया? शंकर जी बोले, खेल दिखाने वाले पहले खेल कहां दिखाते हैं? डमरू बजाते हैं, गीत गाते हैं, वही करेंगे? और हो सकता है ये आवाज सुनकर कौशल्या माता अपने लाल जी को गोद में लेकर भवन के झरोखे से झांकने लगे तो दर्शन हो जाए। ठीक है, बालकों की अपार भीड़, भगवान शंकर और काकभूषण जी। शंकर जी ने काकभूषण जी कहा कि हम तो डमरू बजाते हैं और तुम गीत गाओ। काकभूषण जी ने कहा कि हम गीत गाएंगे तो पकड़े जाएंगे, कौआ गीत गाए तो मधुर तो हो नहीं सकता। शिव जी ने कहा कि तुम राम जी के गीत गाओ, मधुर ही रहेंगे। गीत विनीत सुखो तुख सो रच, रीत विनीत सुखो गीत भूषुंड जुगा।